और मैं देख रहा हूं शायद 10 मंजिला सभा है। आज सोलन ने पूरे देश को संदेश दे दिया है, हिमाचल में एक बार फिर डबल इंजन सरकार, हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सरकार। साथियों, माता शूलिनी देवी के आशीर्वाद से सोलन ने अपनी पहचान मशरूम सिटी और लाल टमाटर की वजह से रेड गोल्ड के नाम से भी बनाई है। और मुझे खुशी है कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने हमारे मशरूम किंग ठाकुर बुद्धराम जी को गुजरात बुला करके उनका सम्मानित किया था। साथियों, यहां के रास्ते, यहां की दुकानें, यहां के लोग, हर कोई जब मैं यहां आया सारी पुरानी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक था। ये हमारे लक्ष्मेंद्र राणा यहां बैठे हैं, हम दोनों इतना ट्रैवलिंग करते थे पहले, एक साथ बहुत दौरा होता था मेरा, लक्ष्मेंद्र बेचा मेरे साथ में रहा करता था। और ये सोलन मॉल रोड पर हमारे मनोहरलाल जी के चने, शायद ही मैं कभी यहां से गया हूं और मनोहरलाल जी के चने न खाए हो। ये हमारे राजीव बिंदल बैठे हैं, हमारे सोफत जी, वीरेंद्र कश्यप जी, मनोहरलाल सूरी जी, वैद्य राम कुमार बिंदल जी, अनेक पुराने साथी, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला। हमारे रामानंद ठाकुर जी, जुएल शर्मा जी, गोकुलचंद मेहता जी, बहन रितु सेठ जी, अभी मुझे हेलीपैड पे मिलना हो गया, सबके साथ इतना काम करने का आनंद आया, अवसर मिला। और मैं अक्सर यहां सोलन रेस्ट हाउस में रुकना होता था मेरा, और मुझे याद है वहां एक हमारे खड़क बहादुर और दूसरा शायद सुंदर, ये दो चौकीदार हुआ करते थे। सोलन ने मुझे खूब खिलाया भी है और सोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है, और इसलिए मैं सोलन का डबल कर्जदार हूं, और इसलिए मुझे हिमाचल में डबल इंजन की सरकार आप सबसे आशीर्वाद से बनेगी, ये पूरा विश्वास है, आपके प्यार पर विश्वास है। साथियों, हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतियां, वो आज भी मुझे हिमाचल की तरफ खींचती है। और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक राज्य को इतनी बारीकी से जानता हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिमाचल के हर गली मोहल्ले को जानता हूं, और इसलिए आपने भी देखा है कि मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में मैं हिमाचली टोपी पहन करके कार्यक्रम में गया, तो लंबे अरसे तक चर्चा चली, कहां इजराइल, अरे मोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इजराइल में घूम रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी। और दादे, ऐसा ही नहीं है कि मैं ही हिमाचली वस्तुओं का उपहार सबको देता हूं, हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते हैं। अब जैसे 2-3 सप्ताह पहले जब मैं केदारनाथ जी में था, दिवाली के एक दिन पहले, तो
तो जो चोला डोरा मैंने पहना था वो चोला डोरा मुझे हिमाचल की एक बहन ने भेंट किया था, और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी ठंडे कार्यक्रम में, ठंडी होगी जहां जाना होगा, मैं जरूर आपका एक जो गिफ्ट मुझे दिए मैं जरूर पहनूंगा, और मैंने पहना केदारनाथ में। देखिए हिमाचल के लोगों का स्नेह अमूल्य है, इस ऋण को भी कभी मैं चुका नहीं सकता जी, मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, लेकिन हिमाचल का विकास करके, हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर मैं अपना ये दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूं। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक, 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों। अगर यही स्थिति बनी रही इस अस्थिरता के समय, देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई, फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सब ने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए, और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है, छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है, और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना, और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति, अपनी जवाबदारी के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में